चिंता करते हुए आदरणीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन की पूरी टीम के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कोरिया जिले को आगे बढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक लगभग 75 स्पॉट पे छोटे छोटे ग्राम पंचायतों में नगरीय निकाय क्षेत्रों में हमारी टीम जा रही है और स्थानीय स्तर पर सम्मानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि पूरे गांव में पूरे शहरी क्षेत्र में ये भावना पहुंचे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कोरिया जिले को आगे बढ़ाओ। जब तक इस अभियान को हम लोग एक सामाजिक आंदोलन का रूप नहीं देंगे तब तक हमको सफलता नहीं मिल पाएगा। सभी लोगों को इस ओर बढ़ चढ़कर प्रयास करने पर ही इसमें हमको सफलता मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। इसके लिए हम लगातार अभियान चलाएंगे, एक एक स्थान पर पहुंचाएंगे कि बेटी को सुरक्षित रखना है, बेटी को पैदा होने से नहीं रोकना है, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, तभी हमारा समाज जाके संगठित सुसंस्कृत होगा। आज बेटा बेटी दोनों का बराबर शिक्षा देना है, कोनो से भेदभाव नहीं, काबर की बेटी भी एक ही माँ के संतान है और बेटा भी, तो दोनों में भेदभाव कैसे करना है भाई। यही कहना है के खिलाफ जो अत्याचार और भेदभाव और जो जिस तरह की चीजें हो रही हैं समाज में उसको दूर करने की आवश्यकता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, शिक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में यदि महिला आगे होती है तो अपने आप वो पूरा परिवार पूरा समाज पूरा देश जो है अपने आप आगे बढ़ता है। पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हमने महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए और उनकी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए शक्ति टीम का गठन किया है। हमारी शक्ति टीम के का एक व्हाट्सएप नंबर भी है 8435251091। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन भी है 1091, जिसमें कभी भी किसी भी तरह की कोई भी परिस्थितियाँ अगर ऐसी निर्मित होती हैं या किसी भी तरह की कोई भी शिकायत आती है तो महिलाएं या बच्चियां या कोई भी व्यक्ति इसमें बिल्कुल शिकायत कर सकता है। हमारी शक्ति टीम इसमें तत्काल कार्रवाई करती है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, नोनी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री निर्धन कन्या योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष योजना, किशोरी शक्ति योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर और सरकार के बहुत बड़ी योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना, जिसमें 1 करोड़ रुपया तक महिलाओं को ऋण मिलता है, लोन दिया जा सकता है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर समाज में हम बराबरी का दर्जा प्राप्त करने में सक्षम होंगे और जब भी गांव में बेटी पैदा होती है तो उसका
उसको त्योहार के रूप में कर्मा सैला नृत्य करके इस कार्यक्रम को आयोजित करें, जिससे थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। साथ में जो भी बेटियां पढ़ने जाती हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, उनको प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं विश्वास है, जिस तरह आज सब लोगों ने संकल्प लिया है, कोरिया के बेटा बेटियों ने, कोरिया के महिलाओं ने, सब ने संकल्प लिया है कि हम ये जो बुराइयां हैं इसको दूर करके और बेटियों को आगे पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और बेटी को बचाएंगे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, कोरिया जिला को आगे बढ़ाओ।